नमस्कार, मैं सचिन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत चीन के बीच लंबे अरसों से चला आ रहा सीमा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। भारत चीन सीमा विवाद में ना जाने दोनों देशों के कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। लंबे अरसों के बाद पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। इसके तहत भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों ने 4 साल बाद पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के सैनिकों ने अपने टेंट्स हटाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही गाड़ियां और साजो सामान वापस बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये सब कुछ PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की रूस में कजान में हुई मुलाकात के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक डैम चौक में बड़ा डिसएंगेजमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट हटा लिए गए हैं और अन्य टेंट हटाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। आइए बताते हैं कि भारत चीन के बीच ये किस समझौते के तहत हुआ है और दोनों देशों में पेट्रोलिंग को लेकर किन मुद्दों पर सहमति बनी है। दरअसल भारत और चीन के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से पीछे हट रही हैं। इस प्रक्रिया की अब शुरुआत हो चुकी है जिससे सीमा तनाव कम होने की पूरी उम्मीदें हैं। यह समझौता दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच हुआ है। समझौते के अनुसार दोनों देश साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। इस समझौते के तहत अब आगे क्या? इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 63 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग शुरू करने पर सहमति जताई है। इसमें पैंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग बहाल की जाएगी। यहां भारतीय सैनिक अब फिंगर 4 तक जा सकेंगे। इस क्षेत्र में टकराव से बचने के लिए दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग की तारीख और समय की जानकारी पहले से साझा करेगी। इससे सैनिकों के बीच सीधे संघर्ष से बचा जा सकेगा और सीमा पर शांति बनी रहेगी। इस समझौते के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अक्टूबर को सुबह दोनों देशों के कॉर्प्स कमांडरों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब से ही दोनों देशों की सेनाएं छोटे छोटे दलों में पीछे हट रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 10 दिनों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों के सैनिकों ने कुछ अस्थायी ढांचे जैसे तंबू और शेड्स को हटाना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री के अनुसार दोनों देशों ने सीमा पर पेट्रोलिंग की प्रक्रिया पर भी सहमति बना ली है। यह समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में बड़ा कदम है। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. You're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। उस समय चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी जिसके जवाब में भारत ने भी समान संख्या में सैनिक तैनात किए थे। अभी समझौते के बाद उम्मीद है कि सीमा पर स्थिति में सुधार आएगा और शांति बहाल होगी। बहरहाल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा पर शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच की बैठक को टकराव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। इसी का नतीजा रहा कि दोनों नेताओं की बैठक के अगले दिन भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत और चीन ने सीमा पर अप्रैल 2020 की स्थिति को बहाल करने पर अब सहमति जताई है। इसका मतलब है कि चीनी सैनिक उन इलाकों से पीछे हटेंगे जहां उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था। भारत चीन सीमा विवाद का सुलझना बेहद सकारात्मक दिशा की ओर इशारा करता है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।